देखा होगा कि हमने बहुत जगह हम डोसा खाते हैं तो वो एकदम सॉगी हो जाता है। ए भाई ये देखो आ रही खुशबू, और ये है भाई इनकी रवा इडली। आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट है, बड़ी थाली। आई डोंट थिंक सो कि मैं खा पाऊंगा। आए हैं बढ़िया वाले एकदम, जैसे आप कहोगे ना कि आजकल के ज़माने के भी हैं और पुराने ज़माने के भी हैं। ये वाला सांभर है जो सावन के लिए है और जो हमारे जैन भाइयों के लिए है, स्प्रिंग रोल डोसा। इसको पूरा रोल किया जाएगा और उसके बाद रोल करने के बाद इसको कट किया जाएगा। ये तो मेरे को लगता है सिर्फ खाने के लिए आता है। तो भाई साहब गाज़ियाबाद में खड़े हैं इस टाइम, बाबा अंबेडकर जयंती पार्क के जस्ट सामने, और आपने देखा होगा वो पार्क साथ में ही पूरी पार्किंग है और फ्री पार्किंग है। कहाँ पर आए हैं? उदुपी कृष्णा रेस्टोरेंट, जो कि इतना पॉपुलर है यहाँ पे, और 1978 से दे आर सर्विंग साउथ इंडियन फूड। और ट्रस्ट मी, ऐसा साउथ इंडियन आपको पूरे गाज़ियाबाद या नोएडा में नहीं मिलने वाला। जी हाँ, चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको कि क्या क्या है इनके पास। और कॉफ़ी अगर मैं बात करूँ ना इनकी, तो इनकी कॉफ़ी भी बहुत बढ़िया है। लवाजा जो कि एक ब्रांड है कॉफ़ी में, आपको भी पता होगा अगर आप इफ़ यू आर अ कॉफ़ी लवर, तो वो भी है इनके पास। कॉकटेल्स, मॉकटेल्स, शेक्स, साथ में डोसे, जिसके लिए मैं एक्चुअली यहाँ पे आया हूँ। और साउथ इंडियन थाली, नॉर्थ इंडियन थाली, मतलब बोल के थक जाऊँगा मैं, आपको दिखाता हूँ सीधा अंदर चल के। और सिटिंग एंड ऑल अगर बात करूँ तो टोटल 4 फ्लोर्स है, आराम से बैठ के पार्टी कर सकते हो, किटी पार्टी कर सकते हो, बर्थडे पार्टी कर सकते हो, यहाँ तक कि मन्नी की शादी भी कर सकते हो यहाँ। चले आ जाओ। तो भाई शुरुआत करेंगे लंबे लंबे गुलाब जामुन से। जी हाँ, और ये देख लो भाई क्या क्या डल रहा है। ये मिक्स वेज है भैया, ये मिक्स वेज डल रही है, गुलाब जामुन डल चुका है, ये डल गया जी हमारा शाही पनीर, ऊपर से ग्रेवी डल गई पनीर के ऊपर। लो भाई फर्स्ट क्लास डल गई भाई इनकी दाल मखनी, ओए होए एकदम गाढ़ी है, एकदम मज़ेदार। तो ये इनकी नॉर्थ इंडियन थाली है जो कि यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है अपने लंच और डिनर के अंदर। साउथ इंडियन के साथ साथ डीलक्स थाली है ना, साउथ इंडियन थाली भी है इनके पास। और हमने कुछ डोसे वगैरह भी बनवाए हैं, बढ़िया वाले एकदम, जैसे आप कहोगे ना कि आजकल के ज़माने के भी हैं और पुराने ज़माने के भी हैं। 1975 बोलते हैं कि तब से है ये रेस्टोरेंट। और ये आ गया भाई सूजी का गर्मा गर्म हलवा। जी हाँ, तो ये पूरी की पूरी थाली अगर बंदा खा लेगा ना, उसके बाद इसको 2 घंटे की नींद चाहिए भाई, है मन्नी। अब इसके अंदर बस पराठे रखने बाकी हैं, हम चलते हैं सीधा अपना रवा मसाला डोसा बनवाते हैं। ओए होए होए भाई साहब क्या बात है। उसके बाद ये है रवा मसाला डोसा बनता कैसे है, आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं कि वो जाली कैसे बनती है। ये देखो भाई टेक्निक देखना, टेक्निक ये सारा खेल टेक्निक है। ये देखो अब ये एक हम अपना बनवा रहे हैं और एक किसी का ऑर्डर आया। ये देखो एकदम लिक्विड पानी की तरह है और जाली देख रहे हो आप कैसे बन रही है। ये एक साथ 2 डोसे बन रहे हैं, परफेक्ट। तो ऐसे बनती है जाली, बहुत मुश्किल होता है ये बनाना। ये जाली की जो कंसिस्टेंसी है ना उसको बरकरार रखना पड़ता है, इसीलिए इसमें बार बार पानी डाला जाता है। और सेम ऐसा बनाया जाता है स्टफ कि तवे पे गेरते ही ना उस पर जाली बने। और ये देख लो भाई डोसे की जान सांभर, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना। ये भैया इसमें डालते हैं ऐसे करके, ये भाई ये देखो आ रही खुशबू। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये प्याज वगैरह का बनता है भाई, सावन चल रहे हैं और सावन के अंदर ये विदाउट अदरक लहसुन और प्याज यूज़ करते हैं। ये देखो ये वाला डोसा हटाना भैया, ये वाला सांभर है जो सावन के लिए है और जो हमारे जैन भाइयों के लिए है, क्योंकि वो प्याज वगैरह नहीं खाते, प्याज लहसुन अदरक नहीं खाते, तो ये स्पेशली उनके लिए बनता है। तो ऑप्शन आपके पास दोनों है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, प्योर वेजिटेरियन फूड भी मिलता है और प्योर वेजिटेरियन फूड का प्योर वर्जन भी मिलता है जो कि जैनियों के लिए। और ये डलेगा भाई डोसे के ऊपर फर्स्ट क्लास, ये देख ये बन गया भाई हमारा रवा मसाला डोसा। जी हाँ, अब ये रोल होगा, रोल के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि जो डोसा है ना वो एकदम क्रिस्प हो जाए। गैस धीरे कर चुके हैं और जब तक कि हल्का सा गोल्डनिश ना आवाज है ना कलर, तब तक इसको रोस्ट नहीं किया जाता, रोल नहीं किया जाएगा तब। ये जाली हर कोई बना नहीं पाता, मतलब कि ऑब्वियसली हर रेस्टोरेंट में मिलता है, बट एकदम परफेक्ट गोल्डन कलर का एकदम सुपर क्रिस्पी डोसा आपको हर जगह नहीं मिलेगा। आपने कई बार देखा होगा कि हमने बहुत जगह हम डोसा खाते हैं तो वो एकदम सॉगी हो जाता है, बट ये एकदम सुपर क्रिस्पी आपको दिख रहा है। और मसाला भी देखो क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि मैं कह रहा हूँ ये एक डोसा खाने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ और खाने की। मुझे तो टेंशन हो रही है अभी इनकी डीलक्स थाली कैसे खाऊंगा इसके साथ। अब बन रहा भाई बच्चों का फेमस, बच्चों का फेवरेट स्प्रिंग रोल डोसा। जी हाँ, वैसे तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि इनका इन्वेंशन है भाई, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली दिल्ली NCR के अंदर आया ही, मुंबई से है।
ये मुंबई में स्टार्ट हुए थे, ये चीज़ वाले डोसे, चाउमीन वाले डोसे, मंचूरियन डोसा, ये सब वहाँ बनता था, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में भी काफ़ी पॉपुलर हो गया और अब गाज़ियाबाद में भी देखने को मिल रहा है। और ये आ गया जी बटर, और बटर कौन सा, मैं ब्रांड पूछता भी नहीं, ये तो फिर लोग बोलेंगे। ये लग गया भाई बढ़िया सा बटर। और अब आपने देखना ये है कि ये स्प्रिंग रोल के अंदर जो डलती चीज़ें, वो चीज़ें कैसे डालेंगे, देखते रहो आप। ये देखो ये आ गया भाई शेजवान सॉस, शेजवान सॉस का। अच्छा मुझे लगा इसके अंदर चाउमीन डालोगे, चाउमीन तो नहीं डलती ना। अच्छा चाउमीन नहीं डलेगी, पर बाकी सारे आइटम वही डलेंगे जो स्प्रिंग रोल में बनते हैं। कैबेज डल गई, कैप्सिकम डल गया, थोड़ा सा गाजर डल गया, ऑरेंज वाला जो सैलड का होता है स्पेशली, चुकंदर डल गया, और ये एक मेन इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ है चीज़, जो मेरे ख्याल से थोड़ी देर बाद में डलेगा। पाव भाजी मसाला, अरे वाह, देखो क्वांटिटी जो डाली है ना मसाले मसूलों की, वो एकदम कम डाली है, ओवर स्पाइसी नहीं किया है। ये आ गया भाई क्या चीज़, टोमेटो सॉस फॉर सम वो टैंगी फ्लेवर, टोमेटो सॉस भी डाल दिया। नाउ इट्स टाइम टू ग्रेट सम चीज़ ऑल्सो, पहले इसको थोड़ा सा पका रहे। और ये हो गई भाई बारिश, चीज़ की बारिश, स्प्रिंग रोल डोसा, जी हाँ इसे स्प्रिंग रोल डोसा कहते हैं यहाँ पे। और भाई देखने में जितना बढ़िया लग रहा है, आई होप कि खाने में भी उतना ही बढ़िया हो, बट मैं ये नहीं खाऊँगा, ये खाएगा अनमोल। और मैं खाऊँगा इनका साउथ इंडियन फूड, प्लस मैं खाऊँगा इनकी रवा इडली, जी हाँ, जो कि काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। राइस इडली भी मिलती है और रवा इडली भी मिलती है, दोनों मिलती है, तो मैं रवा वाली भी खाऊँगा। और ये है भाई इनकी रवा इडली, आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट है, एक प्लेट में दो आती है ना। यस सर, परफेक्ट। अब चलें ऊपर, करें टेस्टिंग सब, आ जा। तो भाई सारा का सारा फूड आ चुका, आप देख सकते हो नॉर्थ इंडियन थाली, डीलक्स थाली इनकी तैयार है पूरी, इतनी बड़ी थाली आई डोंट थिंक सो कि मैं खा पाऊंगा। साथ में आ गया जी आपका स्प्रिंग रोल डोसा, ये कौन सा शेक है, फेरेरो रोशर शेक है। इनके तंदूरी मोमोज, जो कि कहते हैं इनका दावा है कि अगर आप आते हो ना तो शायद ही आपको मिलेंगे, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये आ गया जी इनका चाइनीज़ प्लेटर, जिसके अंदर मंचूरियन है और नूडल्स है। और ये भाई मेरा फेवरेट साउथ इंडियन फूड, और ये है मसाले वाला, लेकिन मैं ऊपर से खाता हूँ। देख फूड पड़े हुए तक कितना टाइम हो गया, सौगी होना चाहिए। ये देखो क्रिस्पी है, अभी भी क्रिस्पी है। मैं वही बोल रहा हूँ कि हर जगह पे ऐसा क्रिस्पी डोसा नहीं मिलता, सौगी हो जाते हैं। तो लेट मी टेक अ फर्स्ट बाइट नाउ। आ रहा क्रंच। और ये एक वो इडली, ऐसी इडली है जो हर जगह नहीं मिलती, ये है जी रवा इडली। डाइट में आप बड़े आराम से साउथ इंडियन खा सकते हो। तंदूरी मोमोज बहुत टेस्टी, एकदम क्रिस्पी है। ऊपर का मैरिनेशन जो है ना, वही शायद इसको अलग बनाता है। हल्के से स्पाइसी है बट बहुत टेस्टी। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, इडली भी बहुत बढ़िया है, मज़ेदार है यार। साउथ इंडियन फूड इज़ वेरी गुड। वाह, ये इनका स्प्रिंग रोल डोसा। इस पर स्टफिंग आपको मैंने दिखाई थी कि क्या है। ये आगे भाई इनकी मॉकटेल, जो कि वाटरमेलन मॉकटेल है। ओहो, तो इसके अंदर ऑप्शन था जी लच्छा पराठा चाहिए या बटर नान चाहिए, क्या चाहिए वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने लच्छा पराठा लिया, क्योंकि मुझे लच्छा पराठा बहुत अच्छा लगता खाने में, आटे का होता सबसे बड़ी बात। और मैं ट्राई करता हूँ इनकी दाल से। भाई एक ख़ास बात और भी है, पता बन्नी क्या वो ख़ास बात, ये है कि पूरे के पूरे नोएडा और गाज़ियाबाद में डिलीवरी करते हैं। और सबसे बड़ी बात और भी है क्या, कि स्विगी और जोमेटो पर है ही नहीं। जी हाँ, ये मैंने पहला ऐसा रेस्टोरेंट देखा है जहाँ पे ना स्विगी पे है ना जोमेटो पे है, ये अपनी खुद की डिलीवरी करते हैं। और एकदम बढ़िया तरीके से आपको मंगाना होना, पैकिंग वगैरह करके परफेक्टली आपके घर पे आएगा। आप सिर्फ नीचे लिंक इनका दिया है मैंने डायरेक्ट ऑर्डर का, या फ़ोन नंबर उस पर क्लिक करो और कॉल करके अपना ऑर्डर मंगवाओ। लेट मी टेक अ बाइट। बोलो, ये तो मेरे को लगता है सिर्फ खाने के लिए आता है। क्या अगर उतना टेस्ट है, मन ही नहीं कर रहा बोलने का भाई, मतलब सीरियसली हद हो गई, तो मेरे को खाने के लिए आता है। भाई दाल बहुत बढ़िया है, एकदम परफेक्ट।
और ये हमारा पनीर, ये देखो भाई, मन नहीं कर रहा जल्दी ख़त्म करो तो मैं भी आ जाऊँ। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी मंचूरियन इनका जो कॉम्बो है ना, ये कॉम्बो भी बहुत बढ़िया है और जिनको चाइनीज़ पसंद है वो बहुत मंगवाते हैं। लेट मी टेक दिस मंचूरियन, इस पे मंचूरियन है, चिली पोटैटो है और साथ में है नूडल्स, तीनों चीज़ें इसके अंदर। अगर आपको भी खाना इतना बढ़िया खाना ना तो ट्रस्ट मी, कहाँ पे आना है मैं आपको बताता हूँ, उदुपी कृष्णा रेस्टोरेंट आना है जो कि बाबा अम्बेडकर जयंती पार्क के जस्ट सामने है, नवयुग मार्केट। आओ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो, आपने एनवायरनमेंट देख लिया होगा, पूरा प्रॉपर सिटिंग है एसी वाली, आप अपनी फैमिली लेके आओ, एंजॉय करो। कॉफ़ी आपने देखा यहाँ पे शेक भी है, यहाँ पे कॉफ़ी मशीन भी है, मैंने अपनी कॉफ़ी भी ऑर्डर कर दी है क्योंकि खाना अब मैं भी खाऊंगा, और क्योंकि मैं डाइट तो सर टेस्ट करना था। अब ये खाएंगे भाई साहब क्योंकि खाने के लिए आए हैं, ठीक है, मिलता हूँ आपको जल्दी से एक बढ़िया सी ऐसी जगह पे, आप ही के मोहल्ले में बताऊँगा कि सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट कौन सा है खाने के लिए।